जय हिंद। हाई स्कूल यूपी बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग अलंकार समझेंगे, तो आइए चलते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अभिकरणों को अलंकार कहते हैं। ये अलंकार के प्रकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जहाँ शब्दों द्वारा चमत्कार होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, जहाँ अर्थों द्वारा चमत्कार होता है अर्थालंकार कहते हैं। हाई स्कूल यूपी बोर्ड के छात्र उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षालंकार का अध्ययन करेंगे। तो आइए उपमा अलंकार समझते हैं। उपमा अलंकार जहाँ पर भिन्न भिन्न प्राणियों वस्तुओं एवं पदार्थों के गुण दोष की तुलना आपस में की जाती है। उपमा अलंकार कहते हैं। एक बार और समझते हैं। जहाँ पर भिन्न भिन्न प्राणियों वस्तुओं एवं पदार्थों के गुण दोष की तुलना आपस में की जाती है उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार का उदाहरण समझते हैं। उदाहरण पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया। इसमें सरिस वाचक शब्द है, वाचक शब्द पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल पात यानी पीपल का पत्ता उपमान है, सरिस वाचक शब्द है, सरिस मने समान होता है, मन मने मन उपमेय है, डोला साधारण शब्द है।
पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया है। पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई है, पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई है, इसलिए यह उपमा अलंकार है। एक और उदाहरण है, माया दीपक नरपतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत कहे कबीर गुर ज्ञान ते एक आद उपरंत। इसके अलावा एक और उदाहरण है, दीपक माया नरपतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत कहे कबीर गुर ज्ञान ते एक आद उपरंत। नर मने मनुष्य और पतंग मने कीट जंतु, मनुष्य की तुलना कीट जंतु से की गई है। रूपक अलंकार समझने का प्रयास करते हैं। रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण समझते हैं। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है रूपक अलंकार कहलाता है, जिसमें कोई अंतर नहीं है, जिसमें कोई अंतर नहीं है। चरण कमल बंदो हरि राय, जहाँ चरण प्रस्तुत है कमल अप्रस्तुत है, इसमें कोई अंतर नहीं है। चरण ही कमल है और कमल ही चरण है, इसमें कोई अंतर नहीं। चरण प्रस्तुत कमल अप्रस्तुत, चरण कमल बंदो हरि राय। उत्प्रेक्षा अलंकार समझने का प्रयास करते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके लक्षण पहले समझते हैं। इसके लक्षण हैं, जानो जन जानो जान हूँ, मनु
मनु मानो। मान हूँ, ये इसके लक्षण हैं। किसी काव्य कविता में, किसी काव्य या कविता में ये जन जानो जान हूँ, मनु मानो मान हूँ शब्द आते हैं तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। अब उदाहरण समझते हैं। उदाहरण सोहत सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम, श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। मानो नील मणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। एक बार और समझते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लक्षण जन जानो जान हूँ, मनु मानो मान हूँ, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, और मानो नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। मानो नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।